18.6 क्रेडा। क्रेडा छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास प्राधिकरण का संक्षिप्त रूप है। यह छत्तीसगढ़ शासन के ऊर्जा विभाग का उपक्रम है। क्रेडा के उद्देश्य। क्रेडा के उद्देश्य हैं, पहला, ऊर्जा का संरक्षण करने का अर्थ ऊर्जा के स्रोतों का उचित उपयोग करने से है, जिससे ऊर्जा की बचत हो। दूसरा, परंपरागत ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त ऊर्जा की खपत को कम करने के लिए गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता को बढ़ाना। तीसरा, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के दोहन से प्राप्त ऊर्जा पर्यावरण हितैषी होते हैं, अतः अधिक से अधिक सौर ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, वायु ऊर्जा के उपयोग के लिए प्रेरित करना। क्रेडा से संबंधित छत्तीसगढ़ ऊर्जा शिक्षा पार्क, छत्तीसगढ़ एनर्जी एडुकेशन पार्क रायपुर में परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के कार्यशील मॉडल जैसे जल शक्ति, वायु शक्ति, सौर ऊर्जा शक्ति, सोलर कार, सोलर हट, सोलर बोट तथा बायोगैस प्लांट प्रदर्शन हेतु रखे गए हैं। दैनिक जीवन में ऊर्जा का सदुपयोग करने के लिए इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। पहला, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के उपयोग को बढ़ावा देना चाहिए। दूसरा, भोजन बनाने के लिए प्रेशर कुकरों का प्रयोग करना चाहिए। तीसरा, सौर ऊर्जा पर आधारित उपकरणों जैसे सोलर कुकर, सौर ऊष्मक, सौर पैनल आदि का उपयोग करना चाहिए। चौथा, ग्रामीण क्षेत्रों में ईंधन के रूप में जैव गैस के उपयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए। पांचवा, पेट्रोल जैसे बहुमूल्य ईंधन को बचाने के लिए छोटी दूरियों तक जाने के लिए साइकिल का उपयोग करना चाहिए। हमने सीखा, पहला, ऊर्जा संरक्षण के नियम से ऊर्जा का रूपांतरण एक रूप से दूसरे रूप में होता है। दूसरा, ऊर्जा के कई रूप होते हैं। तीसरा, ईंधन के जलने के प्रक्रम को दहन कहते हैं। चौथा, सोलर कुकर का तापमान 2 से 3 घंटे में ही लगभग 100 डिग्री सेल्सियस से 140 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। पांचवा, बायोगैस मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सल्फाइड का मिश्रण है। इसका मुख्य घटक मीथेन है। छठवा, नाभिकीय ऊर्जा को 2 प्रकार की नाभिकीय अभिक्रियाओं द्वारा प्राप्त किया जाता है। पहला, नाभिकीय संलयन एवं दूसरा, नाभिकीय विखंडन। सातवां, क्रेडा छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास प्राधिकरण का संक्षिप्त रूप है। यह छत्तीसगढ़ शासन के ऊर्जा विभाग का उपक्रम है। आठवां, सोलर सेल सौर ऊर्जा को सीधे ही विद्युत में परिवर्तन करता है। नौवां, पवन ऊर्जा का उपयोग यांत्रिक कार्य करने में या विद्युत उत्पादन में होता है। दसवां, जल ऊर्जा बहते हुए पानी से प्राप्त किया जाता है, जिसका उपयोग जल विद्युत के उत्पादन में होता है। ग्यारहवां, गाय जैसे पशुओं के गोबर का सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन से बायोगैस बनता है। बारहवां, जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैसें आती हैं। मुख्य शब्द, कीवर्ड्स, पन बिजली ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, महासागरीय तापी ऊर्जा, भूतापी ऊर्जा, बायोगैस, नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, श्रृंखला अभिक्रिया, हाइड्रोजन बम, जीवाश्म ईंधन, क्रेडा।